उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण देहरादून के कई इलाकों में काफी नुकसान हुआ है। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून के ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को हर संभव मदद पहुंचाने का भी निर्देश दिया। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, शीघ्र ही 51 करोड़ रुपए की योजना से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा संबंधी निर्माण कार्य प्रारंभ होंगे। जहाँ पे हम खड़े हैं, कल यहाँ बहुत ज्यादा पानी था, आज तो पानी बहुत कम है। और इस पूरे क्षेत्र का, जिसमें हमारे ये खदरी है, गौरी माफी है, साहब नगर है, चकजोगी वाला है, गोयला नाला है, बंगाला नाला है, इसमें जिस प्रकार से हमेशा पानी बहुत बड़ी मात्रा में आता है, और मैं ये कह सकता हूँ कि इस समस्या के कारण यहाँ पे अनेकों बार जो है ज़मीन का कटाव होता है, कभी कभी घरों में भी पानी जैसे गौरी माफी जैसे जगह में घुसता भी है। तो इसका पिछली बार जो है एस्टिमेट गया था लगभग 37 करोड़ का, और उसके बाद रिवाइज एस्टिमेट अब 51 करोड़ की लगभग का है, जो अब पटना से स्वीकृत होके अब हमारे जो CGSCC से पास हुआ है पटना से, और CWC दिल्ली में ये आ गया है। मुझे लगता है बहुत जल्दी ये पास होगा, और आने वाले टाइम पे ये यदि स्वीकृति होगी तो पूरा इलाका, मुझे जैसे मैंने पहले भी कहा था, बाढ़ की समस्या बहुत बड़ी है, उसे यहाँ पे निजात मिलेगी। और क्योंकि इस टाइम पानी का बरसा काल भी है, लेकिन आने वाले टाइम पे इस पे हम कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी इसमें काम शुरू होगा। आपको बता दें, लगातार बारिश के चलते सोंग नदी के किनारे स्थित खदरी क्षेत्र की सीमा में पानी घुसने का खतरा बना हुआ है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।